पजीर हुआ है और जो दो तीन मेजर फैसले हैं इसमें जो बुनियादी फैसला है, कोर कमेटी ने खान साहब के इस आज़म का यादा किया है कि अपोजिशन के तौर पे हम मरकज़ में और मुल्क भर में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस ज़िमन में पहला जलसा जो है वो इस्लामाबाद में होगा 30 मार्च को। खान साहब ने 23 तारीख रखी थी लेकिन इंशाल्लाह कल उनकी इजाज़त से हम इसको 30 मार्च कर रहे हैं और ये फैसला हुआ है कि मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले जो हैं इस जलसे में शिरकत करेंगे। दूसरा फैसला जो है कोर कमेटी में तमाम जो मामलात मीडिया पे आप लोग चलाते रहे हैं और जो बयानात से कन्फ्यूजन पैदा हुई थी वो सारे मामलात डिस्कस हुए और तमाम गलत फहमियाँ जो हैं पता चला बाद BCR गुफ्तगू के कोई गलतफहमी थी ही नहीं। और इसके अलावा आमने सामने बैठे रहे, बड़े खुशगवार माहौल में इजलास हुआ और ये फैसला हुआ है कि आइंदा के लिए जो अहम फैसले होंगे वो कोर कमेटी के नोटिस में लाए जाएंगे और कोर कमेटी के वसातत से भी किए जाएंगे। आखिरी बात ये थी कि खान साहब के जो केसेस हैं इस हवाले से कोर कमेटी ने भी इस अमर पे ज़ोर दिया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी खान साहब के मुकदमात के रोज़ जो हैं इस्लामाबाद कोर्ट आए ताकि खान के साथ यकजहती के तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ एक यगंगत के तौर पे उनकी हाज़िरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। आइंदा के लिए जो भी एहतजाज होगा तो पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो सूबों में या मरकज़ में नहीं बैठेंगे बल्कि जाएंगे अपने हलकों में और एहतजाज की क़ियादत करेंगे। तो लिहाजा क़ियादत एहतजाज जो हैं आइंदा क़ियादत की ज़िम्मेदारी रहेगी। अच्छा ये बता दीजिए एहतजाज जो करने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या उसको हुकूमती इजाज़त के साथ मशरूत किया जाएगा? नहीं, हुकूमती इजाज़त तो हमने दो साल में नहीं ली है, देते हैं तो दे दें वरना हम तो फिर भी आए हैं और फिर भी आएंगे, हमने परसा ठोंकेंगे तो ठोंकने दो। आपने इमरान खान के फैसले को गलत कहा था? माशाल्लाह ये फैसला खान साहब का था। मैंने ये कहा था कि जो वादतुल मुस्लिमीन जो थी उसको शामिल न करने का फैसला गलत था और चूंकि वो फैसला गलत हुआ है अगर वो ज्वाइन कर लेते तो फिर हम ये ज्वाइन न करते, मैंने ये बात की थी। अच्छा आपके हर बयान को मीडिया कंफ्यूजन के साथ पेश करता है, कहीं आपका कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन तो माशाल्लाह लोग मुझे ज़बान दराज भी कहते हैं, आप कहते हैं कम्युनिकेशन का मसला नहीं है, लोग अपनी मर्जी की चीज़ें उचक लेते हैं और स्याक को सबाक से हट के जो है। अब कल जो जीव टीवी पे खबर चल रही थी कि जनाब ये मैंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हुई है, तो बात तो पूरी बताई ही नहीं। मैंने तो ये कहा था कि जिन्होंने करप्शन की थी वो तो गंगा में स्नान कर गए, धुल गए और वो जनाब उनको किसी ने छेड़ा भी नहीं, चाहे परवेज खटक हो, महमूद खान हो या और बहुत सारे वज़रा जो उनके साथ चले गए। अच्छा जी, इन फैसलों की ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अंदर से चल रही थी? नहीं, हमारी रूटीन में तमाम जो अवामिल होते हैं उनका हम जायज़ा लेते हैं। कोर कमेटी का इजलास पहले हम जूम पे और जब से क़ियादत बाहर आई है तो अब फिजिकल मीटिंग भी हम कर रहे हैं। अच्छा ये बल्ले का निशान चला गया, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उसके बाद आपको ये सब को याद आया पार्टी को कि कोर कमेटी फैसला करे, वरना तो अकेले लोग फैसला कर देते खान के मुशावरत के बगैर, तो ये अभी क्यों हुआ? जब पार्टी को नुकसान हो गया तब याद आई? नहीं, मैं अर्ज ये करूँ कि पहले भी कोर कमेटी के राय का ख्याल किया जाता था, खान साहब खुद करते हैं, बल्कि खान साहब ने कई दफ़ा में कहा है कि कोर कमेटी से रजू करें और उनसे इन पे आप कलेक्टिव विजडम जो हैं उसमें शामिल कराएं। बाकी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि हर एक फैसला हमें खान साहब से अप्रूव कराना पड़ता है। अब इसको आप अच्छा समझते हैं बुरा, लेकिन फैसला खान साहब के पास तब जाता है जब उस पर अपनी पार्टी की इनपुट उसमें शामिल होती है।
तजावीज हम उनके सामने रख देते हैं, एग्री करना डिसएग्री करना उनका काम। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो भाई यार, थैंक यू।